एक और सेगमेंट है जो अब काफ़ी अच्छे से कल चलता हुआ दिख रहा था, वो था वापस से बैंकिंग। इसमें रोल ओवर अच्छा आया है HDFC और HDFC बैंक का। संतोष, आपने भी नोटिस किया होगा, क्या इन दोनों में से किसी एक में पोजीशंस बनाई जा सकती है? रोल ओवर काफ़ी पॉजिटिव आया है HDFC बैंक और HDFC का। यस, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखने को मिला है और इनका जो अंडर परफॉर्मेंस था हमको दिसंबर मंथ में खत्म होते दिखा है, क्योंकि पहले हमने देखा कि PSU बैंक, ICICI बैंक में बड़ी रैली देखने को मिली थी, HDFC बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन दिसंबर मंथ में HDFC बैंक आउट परफॉर्म करता नजर आया और पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। सो मुझे लगता है ये मोमेंटम इस एक्सपायरी में भी जारी रहेगा, एटलीस्ट शुरू के 8-10 दिन तो जारी रहेगा, तो यहाँ पर मोमेंटम बनता है तो ट्रेड लेना चाहिए। नीचे मेरे हिसाब से 1600 एक अच्छा बेस बन चुका है, अगर कोई ट्रेडिंग का परस्पेक्टिव रखता है तो 1610 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 1680 का पहला टारगेट रहेगा, 1680 के बाद 1700-1725 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात रही इन स्पेसिफिक स्टॉक्स की, HDFC बैंक की आप बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट रोल ओवर फिगर्स भी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड के अच्छे आए, तो जनवरी सीरीज में बैंक्स पर नजर होगी और एटलीस्ट HDFC ट्विंस पर भी नजर होगी। लेकिन इस बीच जो दूसरे स्टॉक्स हैं जहाँ मूव है, सुमित एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इन्होंने एक एक्विजिशन किया है DR एग्जॉन इंडिया में, और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन एक ऐसी कंपनी भी है जो हाल ही में इसलिए भी सुर्खियों में थी क्योंकि बड़े बड़े फंड्स का इसमें इंटरेस्ट है। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और आपको याद होगा इसमें वाइट ओक का स्टेक है, आबू धाबी का स्टेक है। सो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन अच्छे फंड्स के रडार पर, और स्टॉक लगातार एक्विजिशंस भी करा है, सिक्वेंशली भी Q4 में ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। क्या इस स्टॉक के लेवल्स एक बार चार्ट चेक करके बताएं, क्या ये स्टॉक भी जनवरी के लिए एक प्रॉमिसिंग स्टॉक हो सकता है? देखिए, ओवरऑल अगर हम मोमेंट की बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन फ्रॉम द जून मंथ 2000 से लेके 3500 का जो एक रन मिला है, ऑलमोस्ट इट इज नियर टू द 70%। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन है पिछले 2 महीने से, तो मैं यहाँ पे एक वेट का सजेशन दूंगा। जैसे ही ये अपना एक हाई का जो लेवल है 3430, ये लेवल के ऊपर 2 दिन का आपका मिनिमम क्लोजिंग आना चाहिए, देन ओनली आई विल इनिशिएट द फ्रेश बाय। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल आप उसे होल्ड रखिए, आप 3000 के एक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रह सकते हैं उसमें। राइट, ठीक है, नई बैंक के लिए आप एक बार कंडीशंस डालेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग के लिए आप होल्ड रखें। कुछ ऑटो स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। संतोष, आपके रोलर फिगर्स में ऑटो मिसिंग था, हालांकि ऑटो पैक में भी एक चर्निंग तो नहीं कहने चाहिए, एक मूव दिखी लेकिन सस्टेन नहीं हो रही। जनवरी सीरीज के लिए ऑटो स्टॉक स्पेशली जिस तरह की मूव स्कॉट्स दिखा रहा है, आयशर मोटर में भी एक न्यूज़ है, इन्होंने यूरोप की एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, और प्लस अब ऑटो सेल्स नंबर्स भी आने हैं, और कैसे नंबर्स रह सकते हैं ये तो खैर हम बाद में एस्टिमेशन भी लेकर आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए।